सर क्वेश्चन है नेक्स्ट। मुन्ना को तो सोचने से नहीं रोक सकती क्योंकि वह तो कुछ ना कुछ सोचेगा। तो ऐसे में अपनी लाइफ को ग्रो करना और अपने गोल पूरा करने तक उसके बारे में सोचें या ना सोचें? भाई मुन्ना को ये कह रहे हैं कि हम रोक नहीं सकते सोचने से, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। अब हम अपनी लाइफ को ग्रो करें कि नहीं करें, आपको पहले सोचना है। मुन्ना का आपकी लाइफ पे 12% कब्जा है बस, तो 12% करने देना जो कर रहा है। अगर 72 आप कुछ और करोगे तो 12 पूछता कौन है? अभी वोट डलेंगे, जिस पार्टी को 1 सीट एक्स्ट्रा मिल गई सरकार उसकी है। अगर 13% भी आपने अपने हिसाब से चला ली तो मुन्ना कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, आई लूज यू विन विन, नो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। पॉइंट क्या है आपका, मुन्ना तो अपने फेस की तरह चल रहा है। 10 बजे फिल्म शुरू हुई, 1 बजे खत्म होगी, 10 साढ़े 10 पे जो सीन आना है वो 10:30 आएगा फिर नहीं आएगा, 11 बजे वाला 11 आएगा फिर नहीं आएगा, 12 बजे दूसरा सीन आएगा फिर नहीं आएगा। ऐसे मुन्ना के सीन फिक्स है, चल रहा है फिक्स है, उसमें क्या टेंशन हो। तो चलती हुई पिक्चर है लाइफ में, अपने आप ही तो हो रहा है सब, हम क्या कर रहे हैं। अब उसे पकड़ रहे हो पिक्चर 9:30 बजे वाला सीन 9:30 नहीं, वो चेंज होगा, वो 11 बजे बदल जाएगा। मुन्ना से लड़ रहे हो, उसी सीन पे ब्लॉक करके वहीं पर आपकी पावर ले लेगा और आपका बैंड बजा देगा। जीत आप सकते नहीं, होना तो है ही जो होना है। अब उसके साथ बंधो तो मत, खुद तो मत बैठ जाओ सीन पे, मिस हो गया कुछ हो गया कोई नहीं यार देखा जाएगा। बाकी पे ध्यान दो, अपने आप सेट होगा, ऑटोमेटिकली सेटलमेंट हो जाएगी। आपको अपने जीवन के दुखों का कोटा तो काटना ही है, सुख भी तो आप ही के हैं, सुख देखने नहीं हमें, हम सुख नहीं देखते, बस एक दुख को रोए जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, नरक कर रखी जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आफ्टर एन इमोशनल एपिसोड हाउ टू कनेक्ट बैक टू कॉस्मोस? आफ्टर एक बार यदि इमोशनली हम हर्ट हो गए, चोट लग गई, धोखा मिल गया, प्रेम में शांति नहीं मिली, किसी ने प्यार नहीं दिया पलट के, तो हम कॉस्मोस से कनेक्ट कैसे करें? कॉस्मोस से आप कनेक्टेड ही हो, कॉस्मोस ने ही ये बोला है तेरा इससे प्यार नहीं होने दूंगा, तेरा इससे विवाह नहीं होने दूंगा, तेरी ये जॉब नहीं लगने दूंगा। तो आपने क्या किया, आपने जॉब से बोला है मुझे तू चाहिए, आपने जॉब से पूछा नहीं है भाई तुझे भी मैं चाहिए क्या। आपने कार खरीदने की इच्छा कर ली, सिडान खरीद के लाएंगे भाई अपन, बड़ी वाली ब्लू कलर की लेंगे, ग्रीन कलर की लेंगे, टोयोटा लाएंगे यार, करोला मिलेंगे मॉडल, ये मर्सिडीज लाएंगे, मर्सिडीज से पूछा है तू आना चाहती है, ये तो पता ही नहीं हमें, ये क्या पागल बना है, ऐसे थोड़ी पूछ सकते हैं, ये क्या बात हुई है, ऐसे थोड़ी पूछ सकते हैं, ये तो बात समझ नहीं आई। हमें 4 वर्कर चाहिए अपने लिए, आपने परमात्मा को बोला है हे भगवान किसी वर्कर को भी दिलवा दे, उसको भी मैं चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप इस लायक हो तभी तो, दारू की बोतल पड़ी है आपके घर पे, कोई आया उसे बोला पियोगे, उसको पीनी ही नहीं, दारू की बोतल तो कह रही आप पी लो मुझे, पर उसे पीनी नहीं है इसलिए दारू की बोतल पड़ी रही। इसी तरह क्या आपके पास जिस चीज को आप पाना चाहते हो वो भी आना चाहती है? अच्छा वो तो पता ही नहीं, तो परमात्मा बस जानता है। अगर तो आपको मांगनी नहीं आती तो ये समझ लो थोड़े दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो परमात्मा ने ये चाहा है बेटा तुझे सही तरीके से मांगना नहीं आया इसलिए तुझे नहीं मिलेगी। पेपर के लिए 40 बच्चे बैठे हैं, एक के एक नंबर आया, एक के 100 आए, जिसको सही पेपर करना आता है उसको 100 नंबर मिल गए, जिसको नहीं आता वो फेल। तो जो जो आपको नहीं मिल रहा आपको परमात्मा से मांगना ही नहीं आता, तो पता करो पहले यार ये जॉब मुझे हायर होने देना चाहती है कि मैं आऊं इस पे कि नहीं आऊं, तो जॉब से पूछो। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो पहले प्रणाम करो मन में और सोचो हे जॉब मैं तेरे प्रति थैंकफुल हूं, तुझे मुझे स्वीकारना हो तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना। आपको मकान लेना मकान लेना मकान लेना है, क्या मकान भी आपके पास आना चाहता है? इसलिए कॉस्मोस को बोलो हे प्रभु हे परमात्मा हे कृष्ण हे राम हे टीले वाले बाबा जो पसंद है। कॉस्मोस हम वर्ड इसलिए बोलते हैं कि ना तो इसके अंदर राम का चक्कर है, ना अल्लाह का चक्कर है, ना जीसस का चक्कर है, कोई कंट्रोवर्सी का स्यापा नहीं हो कि बुद्ध को बोला है इसको बोला है, फिर अगली बार बुद्ध को ही बोलेंगे सारे, राम को ही बोलेंगे, भैया जिसका जो मन करे। तो आपने कॉस्मोस में एक वाइब्रेशन छोड़ दी, बोल दिया कि हे परमात्मा मुझे एक मकान दिला दे चाहिए, और अगर तुझे लगता है कि मेरा चाहना ठीक है तो अभी दिला दियो, वरना जब तेरी इच्छा। जब उस पे छोड़ दोगे ना पापा देख लो यार एक चॉकलेट दिलाओगे, पापा आपकी मर्जी है दिलाना नहीं देना, 10 में से 5 बार पापा दिला देंगे जैसे ही उन पे छोड़ा। तो क्या पता हम उस चीज के लिए तैयारी ना हो, तो वही तो कह रहा हूँ, क्या पता तैयारी नहीं है तो उस पे छोड़ो ना, जब तक तैयार नहीं देगा और वो अच्छा करेगा। हे भगवान उतना ही अमीर बनाना जितनी अकल है, संभालोगे कैसे? तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि तो ये एक्सेप्ट करने की बात तो हो रही है, ओसीडी में एक्सेप्टेंस ही तो नहीं होती, उनका एक ही तो कलेश है, फायदा क्या तुम्हें बोल लेगा, कोई फायदा तो है नहीं,
है भगवान तुझे बोलने का फायदा क्या, तू देता फाय नहीं, देखा ठीक है जब तुझे पता था नमस्ते। जैसे धोनी के बारे में कहते हैं कि वो 26 साल तक नहीं खेला, वो इसलिए नहीं खेला क्योंकि वो रेडी नहीं था, ऐसा उसके कोचेस बोलते हैं कि ओडीआई नहीं खेला। तो कौन डिसाइड करेगा वो रेडी था कि नहीं, वो ऊपर वाला है तो खत्म, ऊपर वाला हो गया तो फिर डिस्कशन ही खत्म। तो सर भाई हमारे साथ भी वही है ना कि हम काम जरूर कर रहे हैं तो लड़ते नहीं ना, हम लड़ते नहीं ना, तभी तो ऊपर वाला काम करेगा, हम लड़ रहे हैं, लगे हुए पागलपन में, बुरा बोल रहे हैं, भला बोल रहे हैं, तू बुरा है, तूने नुकसान किया, इसे खुश करने में लगे हैं, बेवकूफी के डिसीजन ले रहे हैं, भगवान बैठा आराम से बोला खेल ले पिट ले। हम कितना कोसते हैं, कितना कूदते हैं, कितना सड़ते हैं, कोई काम ना हो बुरा मानते हैं। जब भगवान पे छोड़ दिया तो बुरा किससे मान रहे हो, तुम बोल रहे हो कोई फायदा नहीं, अरे भगवान की मर्जी है, किसी की तो मर्जी है लाइफ में, कुछ तो होगा भगवान है, पता नहीं है कि नहीं है, पर कोई तो है जिसकी मर्जी है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, तो हमें मांगना नहीं आता, या तो ये कला सीखो। हम बार बार ही मांगते रहते हैं, हम बार बार मांगते हैं ना, कभी ये दे दो, सारी दुनिया मांग रही है, हाँ इसीलिए मिलता ही ना, तो सबकी पूरी करता रहता है वो तो सबकी पूरी करता है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता ना, जो मांगना जानते हो ना अंधा देता है, अंधा अरबोपति बना देता है, सफलता देता है, हीलिंग कर देता है, बीमारियां ठीक कर देता है, जो पहले जो भी प्रवृत्ति थे पहले इतना करते तब जाके आते थे भगवान, तथास्तु करते थे। हाँ भगवान तो बार बार भगवान 24 घंटे तथास्तु करता है, इस पे क्लास है हमारी दादाजी इन स्लीप, जिस चीज को रात को सोच के सो जाओगे दादाजी फाइलें खोल के ओके कर देते रात रात में, पर लफड़ा क्या हम अगले दिन फिर मांगते हैं, वो कहता है अच्छा मिला नहीं, तो वो मिला नहीं कि फाइल प्रोसेस करते फिर मिलेगा भी नहीं, जो मिल गया उसको मांगता कौन है, तो सोचो ना मिल ही गया आ जाएगा और छोड़ दो वो दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब किसी को ओसीडी है तो इसे ठीक कैसे करें, मेडिसिन की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। ओसीडी है ठीक कैसे करें, वैसे तो देखो जी मेडिकली डॉक्टर्स दवाइयां देते हैं सेरोटोनिन के लिए कि सेरोटोनिन बढ़ जाए, इसीलिए सर वो तो फिजिकल है, मन की तो बात है नहीं, हम तो मन की बातें करते हैं, अदरवाइज ब्रेन के अंदर सर्जरी करके इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं और उसका जो पावर देने वाला सेल है वो हार्ट में लगा देते हैं, यहीं से पंपिंग होती रहती है और यहाँ पर न्यूक्लियस एकम्पेंस जो प्लेजर सेंटर ऑफ ब्रेन है वहाँ करंट दौड़ाते रहते हैं ताकि आदमी पागलपन ना करे, सनक है ना ओसीडी, सनक एक ही जैसा स्वभाव है 10 साल से, समझा के मर गए साले, सनक सन किया, इलेक्ट्रोड्स डालते हैं बट वो सब सॉल्यूशंस नहीं है, बेसिक सूत्र है बोल दो, फायदा नहीं है फायदा नहीं, वो रेजिस्टेंस नहीं बोल दो, फायदा नहीं है नो प्रॉब्लम लगे रहो, फायदा तो जीने का भी कोई नहीं है। बड़ी सुंदर बात मुझे कल किसी ने बताई कि डॉक्टर के पास बंदा गया, डॉक्टर साहब कोविड का बड़ा खतरा है, बोले हाँ खतरा तो है भाई कोविड का बहुत खतरा है, डॉक्टर साहब तरीका बताओ ना बचने का, कैसे बचे, बड़ा हाथ धोया करो टाइम से, डॉक्टर साहब उससे मतलब नहीं होगा, नहीं हो सकता है तो पास मत जाओ, किसी और के पेशेंट है कोई खास रहा है, अच्छा डॉक्टर साहब फिर मुंह पे मास्क लगाना, हाँ हाँ मास्क लगाना है, फिर डॉक्टर साहब नहीं होगा, नहीं नहीं हो सकता है भाई, तो फिर अरे किसी और का यूज किया कपड़ा मत यूज करो, कहीं भी चीज को टच करके मुंह पे हाथ मत ले जाओ, नाक पर, डॉक्टर साहब ये तो सब करेंगे फिर तो डॉक्टर साहब नहीं होगा, डॉक्टर साहब कोई ऐसा सॉलिड उपाय बताओ ना कि मतलब उससे पूरी बचाव हो जाए, अरे बहुत बढ़िया फिर तो इलाज की कोई दिक्कत ही नहीं है, कोविड जिंदा इंसान को होता है बस इसको खत्म कर लो फिर नहीं होगा, गारंटी है, एंडलेस बात है, मस्त रहो। हाँ जी बोलो। तो मेडिसिन के लिए तो यही है कि आपने बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही था, मन है ना बोलो ना, ओके सो बको भोंको असर छोड़ दो, असर बदले आप होएगा नहीं, बक दो बोल दो, इसके लिए कितनी बार बोला है, कॉस्मोस में बोल दो, स्पेस में जाके बोल दो, पत्थर को बोल दो, मामा को बोल दो, गुरु को बोल दो, कागज पे लिख के जला दो, हजार तरीके से लोग करते नहीं ना, मुंह बना के बैठे, इसका कोई इलाज थोड़ी है। और सेरोटोनिन बढ़ाने के क्या तरीके हैं, ये करो, ये सेरोटोनिन बढ़ेगा, इससे डोपामिन बढ़ेगा, सेरोटोनिन को इमीडिएटली फॉलो करता है डोपामिन, और जैसे ही ये बढ़ेगा अगला बंदा आपसे अट्रैक्ट होगा, अपने आप ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होगा, अपने आप गले लगने को मन करेगा, ऑक्सीटोसिन का खेल ही, बच्चे के गले क्यों लगते हैं, हम बच्चे को कुच्चू 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 कुच्ची करते हैं, क्यों करते हैं, पागल है क्या हम, उसके अंदर से और आती है विभक्त, इसीलिए तो मन करता है ऐसा। इन्होंने पूछा है फिर तो माँ बनने से पहले इन सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो फिर तो माँ बनने से पहले इन सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग दे तो रहे हैं, लो ना ली, ये पूछ रहे ना इनसे, ली आपने ट्रेनिंग, अभी अभी ट्रेनिंग दी हमने, ली है ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी क्या कोई प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी है जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सके, अगर है तो प्लीज एक्सप्लेन इट और कैसे करें। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सके,
आपने अक्सर कभी ना कभी जरूर ये देखा होगा कि ना आप बाथरूम में गए हो, यूजुअली बाथरूम में होता है कि वहां गए हो और आप ना चार दीवारी में हो, तो फिर ना आप बड़े सिक्योर्ड होते हो, आपको कोई नहीं देख रहा, शर्म शुरम की कोई बात नहीं है, और आप गाना गाते हो। वो फटी बांस भी गाना गा लेते हैं जिनको शर्म आती है खुद को भी गाना कैसे सुनाए, बाथरूम में गाना गाते आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम फलाना ढिमकाना, कुछ भी गाते हैं, डांस भी करते हैं बल्कि बाथरूम में। कई बार ऐसे होता है बाहर से मम्मी आवाज लगाती है, अरे कितनी देर लगेगी, तेरा नाच रहा है के अंदर, शावर चला के नाच रहे हैं, औरों के लिए पानी खत्म, टंकी खाली। अब बाथरूम में क्या होता है, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। मुन्ना गाने गा रहा है अंदर से, हमने गाना क्यों गाया बाथरूम में जाके, बाहर तो बड़े तमीज से थे हम, यानी अंदर गाना गाना चाह रहा है मुन्ना। अब वहां जाके हमने कहा मजा आ गया, नंगे पुंगे नाचो, खूब गालियां बको, जो मर्जी करो, तो मुन्ना मस्त हो गया, बोल दो, मुन्ना ने बक दिया, मुन्ना प्रसन्न हो गया। सेकंड स्टेज ऐसी होती है कई बार कि हम चाहे नहा रहे हैं या काम कर रहे हैं, अपना काम करते भी हो सकता ऑफिस में, अंदर में गाना चल रहा है, बड़ी विचित्र बात होती है, मुन्ना को आइडेंटिफाई करने वाले व्यक्ति यूं जान सकते हैं, सारे अंदर गाना चल रहा है, कौन गा रहा है, सचमुच में चलता है। कई बार मुझे होता है मैं गाना गाता रहता हूं, तो उसमें फिर सत्यवान को तो आदत पड़ गई है, तो गाना गा रहा हूं, फिर मैं कहता हूं यार एक गाना जा ही नहीं रहा दिमाग से, फिर याद दिलाता है सर लिख लो ना, फिर मैं लिख लेता हूँ, खत्म हो जाता है, फिर गाया। तो मुन्ना ने क्या किया, मुन्ना अंदर गाना गा रहा है, वो बड़ा प्यारा समय है, मुन्ना से उस समय प्रेम से कुछ कराओगे करेगा, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि गाने गा रहा है अंदर यार ये। अक्सर तो वो सोचता रहता है, टेंशन करता रहता है, जलन करता रहता है, डरता रहता है, हमें डर लग रहा है, लेकिन कभी हम ऐसी स्टेज पे होते हैं कि अंदर गाना चल रहा है और हमें पता है। अब जब वो स्टेज पता है तब मुन्ना को बोल दो कि यार मुन्ना ये काम करा दे, वो काम करा दे, वो कर देगा, पता नहीं कैसे कर देगा, कौन कर देगा, कुछ समझ ही नहीं। अब वो अवेयरनेस, अब आपके अंदर वो गाना गा रहा है, ठीक हो गया जी, आप अभी जान रहे हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, मुन्ना किस मोमेंट में, मुन्ना खोया हुआ है। तो अब मुन्ना यूजुअली टेंशन देता है, जब टेंशन दे रहा है तो क्यों दे रहा है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में, क्योंकि प्रेजेंट का देखता है नहीं मुन्ना, मुन्ना के पास पास्ट या फ्यूचर है, तो प्रेजेंट में कैसे रहे, मुन्ना को अपने साथ मिला लो, गाने गाओ, गाने गाना बड़ा अच्छा है, और सबसे ज्यादा बढ़िया कमाल होगा, मुन्ना आपके साथ हमेशा खुश रहेगा, बकवास करो, क्योंकि बकवास करने से हम डरते हैं, हम खुले हम बकवास ही नहीं करते, अगड़म बगड़म उजल बुजल करते ही, छोटा बच्चा कहीं भी डांस करने लग जाता है, म्यूजिक चल रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, उसे कोई परवाह नहीं, कोई देख रहा है, आप ऐसे हो नहीं, हम बुरी तरह परवाह है, 400 बार शीशा देखते हैं, पागल हो जाते हैं, दे लिपस्टिक, दे क्रीम, दे पाउडर, दे कंघी, चश्मा, गॉगल, घड़ियां, जूते, पता नहीं किन चक्रों में लगे हैं, बढ़िया लग रहा, मुझे सही है कि नहीं है, अब यार जितना कर लिया काफी है, अब कैरी करो, कैरी करो, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कोई फर्क ही नहीं है। आप बकवास करो, मस्त रहो, बेपरवाह रहो, आप प्रेजेंट में हमेशा रहोगे। मुन्ना परवाह कराता रहता है सारे टाइम, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कौन क्या कहेगा, आपकी जिंदगी में कंगाली है, परेशान हो, पैसा नहीं है, सारी दुनिया को पोस्टर छाप दो, पैसा नहीं है भाई हमारे पास, कड़के हैं, कर्जा चल रहा है, सारी दुनिया में पोस्टर छाप दो। मुन्ना कहेगा साले को बेशरम है, तो इसको तो शर्म ही नहीं आ रही, मैं इसका कर्जा गायब करता हूं, उल्टा हम छुपा रहे, किसी को पता लग जाए कर्जा है, सबको बता दो, सारे पोस्टर छाप दो। मुन्ना जो एक्सेप्ट कर लोगे बदल देता है, एक्सेप्ट मींस अब मैं तंग नहीं होता इससे, आप जिस चीज से तंग होते हो, मुझे याद आ रही अपने प्रेमी की, उससे मिलने नहीं देगा, दफा कर साला पहाड़ में जाए, उसके फोन आते रहेंगे, और फंसाएगा मुन्ना दोबारा कि फिर बात कर, मुझे यार जब मिल जाएगी जॉब मिल जाएगी, परमात्मा की इच्छा, मैं तो माँ बाप का आशीर्वाद लेता हूं, बहुत बढ़िया है। मुन्ना कहेगा साला परेशान नहीं हो रहा, मेरे पास कैसे आएगा फिर, ये जॉब ऑफर आ गई, जॉब लग गई, आप मस्त हो, और अच्छी ऑफर आ गई, आपको जॉब लग गई, टशन में जॉब है मेरे पास, बंदा नोट कमाता, तेरा भाई मजे करेगा, छूट गई, उसी टाइम छेद छुटा देगा, वो गिरते को संभाल लेता अगर परवाह ना हो, संभले हुए को गिरा देता अगर बहुत केयरफुल है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कॉस्मोस अगर मन मन की कोई बात अगर खुद ही कर देते हैं, तो बाद में थैंक्स करें या सिर्फ ग्रेटिट्यूड की भावना मन में ही रखें? भाई भगवान या कॉस्मोस कोई पूरा करता कुछ, तो ग्रेटिट्यूड रखें या थैंक्स करें, थैंक्स किसे कर रहे हो, बस अंदर ही आत्म साफ करो, अरे मजा आ गया है, परमात्मा अंग संग है, करता है, बस तेरी कृपा है, हर समय उसको ब्लेम करो, भगवान तेरी कृपा है, तेरी इच्छा है, ये ग्रेटिट्यूड है, थैंक है, अलग से जाके कह रहे थैंक यू भगवान जी, कौन कह रहा है थैंक्स,
अंदर का ईश्वर ही तो कह रहा है, किसे कह रहे हो, पत्थर के भगवान को? ये उसने बनाया, लाजवाब चीज है। पत्थर का भगवान हमने बनाया, वो निकृष्ट है, उससे नीचे है। अच्छी वाली चीज से घटिया वाली चीज को थैंक्स कर रहे हो, पागल बन रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हो, कर कौन रहा है अंदर से थैंक्स? अंदर ईश्वर ही तो प्राण शक्ति है जो हमारे को शक्ति दे रही, सोचने समझने इंटेलिजेंस की, वो किसे थैंक्स कर रहा है और क्यों थैंक्स कर रहे हो? 24 घंटे वो सांस चला रहा है, कभी थैंक्स किया है? तब कोई ध्यान नहीं है, वो तो ग्रांटेड है, उसे थैंक्स नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो पहली सांस के बाद कहता हेलो टिंग टोंग थैंक्स बोलो, दूसरी सांस भेजू थैंक्स गॉड, और दूसरी के लिए फिर बोलो, तीसरी के लिए बोलो, चौथी, पागल हो जाएंगे। सब कुछ तो चला रहा है वो, कौन सा थैंक करते हैं? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर आप कह रहे हो थैंकलेस मत बनो, यस्टरडे मैं आपकी वीडियो सहजता सत्य गुरु देख रही थी, उसमें आप बता रहे थे कि थैंक यू नहीं कहना चाहिए, ग्रेटिट्यूड में रहना है, कृपया समझा दीजिए। यही तो है ग्रेटिट्यूड, सदैव इसमें थैंकफुलनेस में रहना है। थैंक यू किसे कहना है, भाड़ में जाए कोई नहीं है, जेब में लेके रखो। कृष्ण जी और अर्जुन, थैंक यू अर्जुन तुमने मेरी बात सुनी, थैंक यू कृष्ण तुमने मुझे समझाया। अबे कौन किसे थैंक्स कर रहा है, पागल हो गया दोनों? थैंक यू दो में होता है, एक होगा तो किसे? जब वो दोनों एक हो गए, आत्मसात हो गए, तो कौन कृष्ण, कौन अर्जुन, कौन राधा, कौन कृष्ण, कौन मैं, कौन तू? परमात्मा है वो कृष्ण, वो हमें सांस दिए जा रहा है, हमारा प्रेम बांध के रखा है, हमारे जीवन में खुशियां दे रहा है, प्रसन्नता दे रहा है, हम फिर पागलपन में लगे हो? दोस्त आपस में थैंक यू नहीं बोलते, दोस्त रहे कहां, दो कहां रहे? वो नहीं, दोस्त का मतलब है दो अस्त हो गए, सूर्य अस्त होता है ना, दो अस्त हो गए दोस्त, ये अपने ही बनाया, अभी भी बना मुझे पता है। दो को अस्त कर दो दोस्त, कोई लेन दो रहे नहीं, है ही नहीं कोई लेन देन इसके अंदर, इसलिए प्रसन्नता लाओ, पंगा डालने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण को कोई थैंक्स नहीं चाहिए, उन्हें अर्जुन से भी नहीं चाहिए था, तो ग्रेटिट्यूड एंड कृपा, ग्रेटिट्यूड 24 घंटे जिसके प्रेम में हो उसे क्या थैंक्स करोगे, एहसान है। सर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ऑब्सेशन विद सेक्स एंड मास्टरबेशन का लूप कैसे तोड़े यंग एज में? सेक्स और मास्टरबेशन का लूप यंग एज में कैसे तोड़े? ये ऑब्सेशन नेचुरली रिलीज है, शरीर को ऑर्गेज्म के द्वारा मन में संतुष्टि लाने का तरीका है मास्टरबेशन या सेक्स, और वही एक अकेला तरीका है जिसके द्वारा न्यूक्लियस अकम्बंस या प्लेजर सेंटर को भेद पाता है खोपड़ा, क्योंकि इसमें ना हमें शर्म है, ना कोई गंदी बात अच्छी बात, किसी को पता ही नहीं, अपने आप में लगे हुए हैं, किसी को बोलेंगे वो पता नहीं हमारे एक साथ फिजिकली राजी होगा नहीं होगा, कोई डर भी नहीं है, संकोच भी नहीं है, तो गंदी आदत डाल ली इस चीज की। क्यों, इससे क्या होगा, यदि डाइट अच्छी नहीं ली स्नायु कमजोर हो जाएंगे, लॉन्ग रन में वीकनेस आएगी, शरीर में प्रॉब्लम्स होंगी, डाइट बहुत बढ़िया लो, खुश रहो, सुखी रहो, जरूरत ही नहीं लगेगी। परमात्मा समय आने पे आपको पार्टनर देगा, अच्छा फिजिकल लाइफ जियो, कोई हाय तौबा ही नहीं है इसके अंदर, पर जो एक गंदी आदत वाली बात, मतलब ये एक रिलीज का तरीका बन गया, एंजॉयमेंट नहीं रही, सजा बन गई, ऐसी बन गई कि अब ये तो मास्टरबेशन करना है जी, सेक्स करना है, झंझट डाल दिया, सेक्सुअल थॉट्स में रहना, क्योंकि तभी आपके न्यूक्लियर का कंपन्स ओपन होता है, ओसीडी का रिलीज ही सेक्सुअलिटी से होता है, सेक्स से। और अधिकतर लोग जितने, मैंने लव जिहाद का पहला एग्जांपल दिया ही है, पागलपन जो होता है वो इसी पे जाके एंड करता है, क्योंकि इसी से रिलीज पता है किसी को। इसके लिए सबसे बड़ी बात, आपको हर हालत में कोई मित्र गुरु चाहिए, फ्रेंडशिप क्लास में बात की हमने, कोई ऐसा मित्र गुरु चाहिए जिसको आप सब उल्टी करके बोल सको, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है ओसीडी का पेशेंट शर्मिंदगी नहीं झेल सकता, वो कभी किसी की नजर में गिरना महसूस करता है तो पागल हो जाता है, मरने मारने को तैयार हो जाता है, उसको इतना स्यापा होता है, अपनी इज्जत तो वो करता ही नहीं, इसलिए दुनिया को भी टेंशन लेके चलता है, दुनिया मेरी इज्जत करेगी कि नहीं करेगी, तो बेशर्म बनो, अभी तो एक्सरसाइज बताई, घबड़ घबड़ हल्ला गुल्ला मचाओ, बकवास करो। मित्र के साथ आप जितनी बकवास करोगे वो आपके साथ बकवास करेगा, आप धीरे धीरे शने शने स्विमर धीरे धीरे बनता है इंसान, पैसे कमाना धीरे धीरे सीखता है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, काहे की बेइज्जती यार, छोड़ कर धमाका साला, इज्जत बेइज्जती, एक दोस्त छूटेगा, दूसरा छूटेगा, तीसरा छूटेगा, दसवां कोई आ जाएगा, आप सीख जाओगे कि इज्जत बेइज्जती से ऊपर उठो क्या रखा है, तब आप सेक्स से ऊपर उठोगे, और जब इससे ऊपर उठोगे तब जानोगे ये कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, ये एक अच्छी चीज है, ये आनंद शरीर के द्वारा मिले उसका एक तरीका है, इसके द्वारा प्रजनन होता है, संतान उत्पत्ति होती है, प्रकृति का जुआ है, इसके अंदर बांध के रखती है हमारे को, लेकिन ये अल्टीमेट सुख नहीं है। तो उस चक्कर में आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो रहे हो, तो अपने लिए एक प्रिजन बना रहे हो,
इसलिए ये ओसीडी आपका प्रिजन है, प्रिजन ताला लगा देता है और आप मुंह बनाते हो। आपके पास जिंदगी में जितना ज्यादा मुंह बनता है, जितना ज्यादा सड़ता है, उतना आपके जीवन के अंदर सेक्स, सेक्सुअलिटी, सोच, पैसा, काम, बरकत सब खराब होगी, 100% होगी, क्योंकि प्लेजर सेंटर जो ब्रेन का है ये खुलेगा ही नहीं किसी भी चीज के चीज से अदरवाइज। इसलिए लोगों में वासना होती, सनक होती, पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, कितना, बहुत, 7 पीढ़ी का आ गया, अभी भी बहुत चाहिए, क्या ये समय है, समय क्या है, क्योंकि ब्लॉक लगा रखे, ऑब्सेशन हो जाती है, गाड़ियां चाहिए ढेर सारी, जुआ खेलनी है, दारू पीनी है, ऑब्सेशन, और मजबूर हो जाता है इंसान इस चीज के लिए। जीवन में सिर्फ विशुद्धि चक्र सेट करने से ये ठीक हो सकता है, वैसे तो इसका प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा डायनेमिक सा इलाज है नहीं मेडिकल साइंस के पास। मानसिक रूप से ये जो बीमारी बनती है थोड़ी थोड़ी सब में है, ऐसे ही लोग बाद में 10 साल 20 साल 40 साल बुढ़ापे में कहीं जाके डिमेंशिया के पेशेंट हो जाते हैं, सिज़ोफ्रेनिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, क्यों बनना चाहते हैं ऐसा, हार्ट को पीट रहे पीट रहे पीट रहे पीट रहे हैं, 30 साल के बाद हार्ट अटैक हो गया, वो हार्ट अटैक एक दिन में थोड़ी हुआ है, तुम 30 साल से पीट रहे हो, ऐसे अल्जाइमर हो जाता है, ऐसे डिमेंशिया, माता मना है बैठे हो, मेरा प्रेम नहीं मिला है, भगवान ने न्याय नहीं किया, बाढ़ में गया, तुम्हें अकल ही नहीं है। डक बन जाओ, क्वैक क्वैक कर लो, बोलो अपने आप से, बोलो मित्र से, बोलो कुछ बकवास करो, ऐसा है बकवास करना भी व्यर्थ है, पर अभी पहला स्टेज है बकवास करो, एटलीस्ट मस्त होना तो सीखोगे, इसको बार बार झंकृत तो करना सीखोगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, फिर धीरे धीरे ये दीवारें गलनी शुरू हो जाएंगी, फिर छोटे बच्चे के समान हो जाओगे। बच्चा कितनी देर के लिए बुरा मानता है, ये थप्पड़ मारा मम्मी ने, उसी से चिपट गए। फिजिकल बॉडी ठीक करा दो पहले इस लेवल पे, इमोशनल बॉडी पे बाद में पहुंचे, पहले फिजिकल बॉडी हमारा विशुद्धि चक्र जो है, पहले रेप्टाइल ब्रेन ठीक करना है। अच्छा, आप जो सुन रहे हो देख रहे हो किस ब्रेन से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो, खेल सारा यही है, प्रोसेस तो यहीं से हो रहा है, तो आगे तो आएगा ही नहीं। कुछ लोग इमोशनल भी नहीं होते, मारा मारी के अलावा कुछ आता ही नहीं, क्योंकि चलता ही नहीं, पीछे के ब्रेन में रिसेप्शन है सारी की सारी, क्योंकि मन की बात बोलते नहीं, ये कुंठित लोग है, कुंठित, हमेशा शिकायत है भगवान से, माँ से, बाप से, पिता से, पति से, बहन से, सबसे शिकायत है, प्यार नहीं मिला, उन्हें प्यार ही नहीं मिला होता लाइफ में, क्योंकि वो यहाँ है नहीं ना हृदय चक्र पे, प्यार तो मिला ही नहीं, कितने प्यार कर करके कोई मर गया, लेकिन वो कहते हैं तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है सर, चार बच्चे रहते जब भी प्यार नहीं मिलता। हाँ, चार बच्चे हो जाते हैं प्यार नहीं मिलता, क्योंकि वो सेक्स किया गया है, लव मेकिंग नहीं, वो शरीर के द्वारा भोग किया गया विलास वासना, तो लव मेकिंग होती तो बच्चों में इंप्रूवमेंट ज्यादा। यस, कृष्ण उसी से तो पैदा हुए, प्रेम की संतान है ना कृष्ण, आप बता रहे हमारे को बच्चे लिखे अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड, मोक्ष चाहिए, फिर इच्छा रह गई, फिर इच्छा रह गई, मोक्ष की भी इच्छा है आपको, यही तो इच्छा, यही तो चलाकी करता मुन्ना। पहली सीढ़ी बकबक है, ऊपर तक पहुंचने के लिए मौन तक जाना, ये कह रहे पहली सीढ़ी बकबक है, लास्ट सीढ़ी मौन है, पहली सीढ़ी सोचो, लास्ट मत सोचो, फिर लालच में आ गए, प्रेजेंट में, हाँ अभी मेरे ना, फिर फ्यूचर में चले गए, फिर पार्किंग कर दिया आगे, आदत पड़ जाएगी। ओसीडी का मतलब आपका जो व्यवहार बच्चे से आज होता है वही 5 साल से हो रहा है, वही 10 साल से हो रहा है, वही पत्नी से वैसा ही होता है, साले दोस्ती नहीं बनते, पैसा ही उठा रहता है, यार कितनी मेहनत कर लो आते ही उतने पैसे हैं, ये पैटर्न बना दिया लाइफ ने, आदत पड़ गई है जीवन को, हमें नहीं ये तोड़ना है, मुंह नहीं सड़े, मुंह नहीं बनाना, ये आदत डाल लो, बना लो थोड़ी देर के लिए, हालात बहुत बिगड़े, 1 घंटा 2 घंटा कम बैक वापिस आ, अमेरिका जैसी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में इतना भयंकर बिजनेस है साइकेट्रिस्ट का, वो आपको बुलाता है कमरे में बैठे, $100 दिए और एक डायरी पेन लेके बोले जाओ बको बको लिखे जा रहा है, लिखे पैसे दे रहे हैं सुनने के, कोई आपको सुन ले इसके पैसे दिए जा रहे हैं, ये धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, ये कमाल होम्योपैथी बोलते बोलता सारा कुछ, तो बोलना है ना, अब बोलोगे नहीं बोलने का फायदा ही ढूंढते रहना, हाँ फायदा नुकसान कुछ नहीं होता, परमात्मा का ओसीडी को लाइफ में मत आने दो, ऑब्सेशन मत बनाओ, किसी चीज की जिद नहीं करो,
अच्छा ये अपने आप होती है, हमारे लेक्चर देने से कुछ ना होगा, तो इसी करेक्शन के लिए बोलो, शब्द बोल डालो लगातार, कृष्ण को समर्पित कर दो, राम को कर दो, जो देवता पसंद है बाबा नानक को कर दो, बोल डालो। और सारे टाइम जो भकड़ भकड़ हम बुरा बोलते रहते हैं, ये नहीं समझा वो नहीं समझा, तो खुद समझो कि उसे इतनी ही समझ है, नमस्ते, आज के बाद नो मोर क्लेश। कितना समझाओगे, अपना अपना जीवन लेकर हर कोई पैदा है। मुझे परसों एक मम्मी मिली, मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है, कनाडा में मर्सिडीज चलाता है पर उनको चिंता है, बच्चे की लाइफ बढ़िया हो चुकी है लेकिन उन्हें चिंता है, क्यों? आदत पड़ गई है, ओसीडी, उन्हें सनक है कि मैंने चिंता ही करनी है कुछ भी हो जाए। अच्छा ये नहीं पता, पहले बच्चा टट्टू था या धक्के खाता था, वहां जाकर के साला मौज कर रहा है और फिर भी चिंता है, अब क्यों चिंता है भैया, भगवान से यही तो मांगा था कुछ हो जाए इसका, अब तो बहुत कुछ हो गया, कईयों के बाल बच्चे हो चुके हैं, बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, उनकी भी चिंता है, पागल है वो। इसे सनकी कहते हैं, सनकी, और सारे टाइम चिंता की वेव्स भेजते रहते हैं, चिंता। एक बार एक बच्चे का हार्ट अटैक हुआ, 34 साल का था वो, उसकी वाइफ आती थी पहले मेरे पास, फिर वो शादीवादी जोड़ी बताया कराया, शादी हो गई, फिर उसको हार्ट अटैक हो गया, फिर उसका फोन आया कि भैया इनको हार्ट अटैक हो गया। मैंने कहा जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं? बोले ठीक है भैया, फोन रख दिया। उनके सास ससुर का फोन आया मुझे बाद में, कहते ये क्या हुआ, कौन सी बात करी आपने, आपने बोल दिया ठीक है बढ़िया हो गया बहुत अच्छा है, और ये कही ठीक है बढ़िया हो गया, ये क्या बात है? मैंने कहा ठीक तो बोल रही है, बढ़िया हो गया, बच तो गया? बोले हार्ट अटैक हुआ बच्चे को। मैंने कहा हाँ बच्चा बच गया आपका? बोले हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा पीछे हटके हुए, बच तो गया? अब वो निकल गया, 2 महीने बाद उसने देर दारू पेलनी शुरू कर दी, जम के पी, फिर वो पेरेंट्स आए, उसके लड़की भी आई, मस्त थी लड़की, वो सीधा कहती थी आप बता देना भैया, जोड़ी जोड़ी भी हम नहीं थी, तो कहते कि बता दो जी क्या करना है, दारू पीता है बहुत ही जम के, तो पापा बहुत चिंता करते हैं। मैंने कहा अब तो नया दिल बनाया इसका, ब्रांड न्यू, पेल दे बेटा, धाय दाय, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, पेल जितनी मर्जी पेल, कलेश में नहीं पीना, कोई दिक्कत नहीं, अब तो नया दिल है तेरा, पहले पीता था, कभी नहीं पी लाइफ में, कभी नहीं पी, हार्ट अटैक हो गया। साला जब लिखा ही था तो होना था, पी के क्या अचार डलेगा, तो भाई तू तो पी ले, मौत लिखी होगी ठीक है, तेरे को मारने के लिए तेरी पत्नी मार देती चिंता कर करके, वो नहीं करती, तू नहीं मरेगा। पीनी आपने खत्म कर दिए, जो पूछ रहे शुरू करें, हाथ तो लगाते भी नहीं उसको, हाथ से कुछ नहीं, हाथ में रखने से कुछ नहीं होगा दारू। हाँ ओ मेरे राजा करके है कुछ ऐसे ही, राजा है इसमें, ओ मेरे राजा, बिल्कुल क्या दिक्कत है, दारू पियो ना पियो, जीवन का कोई भी एक ऐसा नशा, प्रेम का नशा, परमात्मा का नशा, भक्ति का नशा, जो डोपामीन बना दे वो सुख देगा। अगर प्रेम का नशा, भक्ति का नशा आपकी लाइफ सत्यानाश कर दे और कॉर्टिसोल बना दे, तो बिना दारू पिए भी आप नरक हो, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लिवर बोल जाएगा। थैंक यू जी, आज का आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत समय दिया आपने, परमात्मा की कृपा बनी रहे, उस परम तत्व से जुड़े रहो, कभी मत छोड़ो, यह आशीर्वाद चाहिए, लगातार देते रहना, मैं तो कमाने का भूखा हूँ जी, धन्यवाद आप सबका, प्रणाम, नमस्कार, लव यू, लव यू। हाँ नेक्स्ट संडे क्लास नहीं होगी, हैप्पी दिवाली है अगले हफ्ते वाली, हम तो दिवाली की शुभकामनाएं करते हैं, तो अगले संडे क्लास की छुट्टी है, उसके अगले रविवार को मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सबको।